सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग जल शक्ति मंत्रालय उत्तर प्रदेश के द्वारा गंडक संगठन के अंतर्गत गोरखपुर जनपद से बाढ़ से संबंधित 10,995.55 लाख की 23 नई परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 9,624.83 लाख के 8 पूरे हुए परियोजनाओं का लोकार्पण बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ से किया गया। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश के 146 परियोजनाओं का लोकार्पण और 170 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। गोरखपुर जनपद में हुए 8 परियोजनाओं के लोकार्पण से 14 गांवों की सुरक्षा के साथ 49.13 हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाया जा सकेगा और 1,78,000 की आबादी सुरक्षित होगी। वहीं शिलान्यास हुए परियोजनाओं के पूरा होने के बाद जहां 402 गांवों की सुरक्षा होगी, वहीं 180,000 भूमि के साथ 10 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गोरखपुर के NIC हॉल में विधायक सहजनवा शीतल पांडे, विधायक विपिन सिंह, संगीता यादव, डॉक्टर विमलेश पासवान, मुख्य अभियंता गंडक आलोक जैन सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अभियंता गंडक आलोक जैन, विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान और विधायक शीतल पांडे ने कहा, दिसंबर 31 तक सर 146 प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट किया सर, और ये प्रोजेक्ट्स में और पैसा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए सर, इस बार हम न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे कंक्रीट मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी का डेवलप कर रहे हैं सर। सर अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाढ़ की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर सबके गणा सोच आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय विजय कश्यप जी, डेलीगेशन के कारण से पहली बार 24 जनवरी 1950 से लेकर अब तक बाढ़ के कार्य हुए थे और वो कार्य कब हुए और कब खत्म हुए पता नहीं चलता था, लेकिन पहली बार बाढ़ के कार्यों को संपादन करने के बाद और बाढ़ का सत्र खत्म होने के बाद आपके कदमों द्वारा उन सारी परियोजनाओं को जनता जनार्दन को आज आपके द्वारा समर्पित किया जाएगा। काम किए जैसा कि COVID-19 के बावजूद आपके निर्देशानुसार, आपके मार्गदर्शन और आपकी प्रेरणा से हम लोगों ने मई में कार्य प्रारंभ किए। जल शक्ति मंत्री जी के पहल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। प्रदेश में बाढ़ से बचाव चाहता है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 240.93 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रफल लगभग 73.36 लाख हेक्टेयर है। सिंचाई आदान के लिए बाढ़ चौकियों को भी क्रियाशील कर दिया जाता है। बचाने के लिए नए परिष्कृत तटबंधों का सुदृढ़ीकरण एवं उत्तीर्ण कार्य कराया जा रहा है। माननीय लोकार्पण में हम 146 परियोजनाओं को लोकार्पित करना चाह रहे हैं। फिल्म ऑन कर लीजिए। लोकार्पित माननीय मुख्यमंत्री जी चलिए जनपद गोरखपुर में जो कार्य हुए हैं ये तो घाघरा क्वानो राप्ती तीनों नदियों के हुए हैं या फिर केवल एक कौन कौन से उस पे कार्य हुए हैं? तीनों नदियों गोरखपुर में तीनों नदियों पर कार्य हुए, राप्ती क्वानो घाघरा गुर्रा सभी नदियों पर काम हुए।
8 कार्य पूर्ण हो गए, 2 ड्रेजिंग कार्य भी इसमें शामिल है, 10 परियोजनाएं इस तरह से पूर्ण हो गई हैं। लेकिन ड्रेजिंग का काम कहां पे हुआ है गोरखपुर में? खड़गपुर शाहपुर सुपोई और भगने में बनी बात पर बंदों को काफी उससे रिलीफ मिला है, काफी धारा उससे परिवर्तित हुई है। भगने पे थोड़ा उसका उतना फायदा नहीं मिल पाया है। आज पूर्ण हुए कार्यों में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विधानसभा में ग्राम सभा हरैया भरवलिया का तटबंध जो है निर्मित हो गया, जिससे पूरे आसपास के क्षेत्रों में हर्ष का जो है माहौल है और लोग काफी खुश हैं, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र ही जो है बाढ़ के खतरे में हमेशा रहता था, तो वो तैयार हो गया, लोकार्पित हो रहा आपके माध्यम से। पूरे क्षेत्र की जनता उसके प्रति मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ आपका। चले बधाई आप लोगों को, आप लोगों का प्रयास सार्थक हुआ है और बाढ़ से बचाव के पुख्ता व्यवस्था जो प्रारंभ हुई है इसको हम स्थायी समाधान की तरफ बढ़ पाएंगे इस प्रकार के कार्यों के माध्यम से। बहुत बहुत बधाई गोरखपुर के सभी जनप्रतिनिधियों को और वहाँ के सभी जितने भी हमारे गाँव के वासी हैं उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूज महाराज जी सादर चरण स्पर्श। हाँ बताइए जी। पूज महाराज जी आपकी कृपा से हमारा जो 10 मीटर चौड़ा हो गया और हमारे वहाँ 3 प्रोजेक्ट आपने अभी स्वीकृत किया है बरसाइत में, नहुआ अवल में और भौगापार बेला बांध पर। पूज महाराज जी इसके लिए बहुत बहुत क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको और माननीय मंत्री जी को ढेर सारी बधाई हो जाएगा जी। पूज महाराज जी पिछले साल भौगापार बेला बांध पर जो कटान हो रही थी उस पर आपने 11.76 लाख रुपए दिए थे, उससे कार्य बहुत बेहतर हुआ है और नदी की धारा मुड़ गई उससे, और फिर थोड़ा नदी आगे प्रेशर बनाई तो उसके लिए भी आपने 5 करोड़ रुपए समथिंग अभी स्वीकृत किया है। इसके लिए क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। महाराज जी, महाराज जी धन्यवाद। अपनी जोधपुर जनता की तरफ से पूरे ब्रह्मपुर ब्लॉक की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे कोई परियोजनाएं मेरे यहाँ शुरू हुई हैं, बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी और पूरा ब्रह्मपुर ब्लॉक से पूरे बाहर से प्रभावित रहता था, अब ये संकट दूर हो जाएगा। काम हुआ है, सिंचाई पर ठोकर लग गया, टिका है टिकरिया के पास कट रहा था, वो भी काम बहुत देरी से कम्प्लीट हो गया है, वहाँ बाढ़ का खतरा नहीं है उस बात में। कार्यों का निरीक्षण भी क्या करिए आप लोग, कार्य पूरे मानक के गुणवत्ता के साथ संपन्न हो सके इसका निरीक्षण किया जाना चाहिए। नहीं कर रहे हैं हम लोग, 2-3 बार के वहाँ गए थे। साथ ही साथ महाराज जी आपके श्री चरणों में अंगद प्रणाम और आपको धन्यवाद देना चाहेंगे हम अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से कि अभी मेरे विधानसभा मेरा क्षेत्र ही गोरखपुर के दक्षिणांचल में बसा रोहित राष्ट्रीय के तट पर, और इसमें आपने 4 नई परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया है, जिसमें क्या नाम है राप्ती तट से दाएं साइड पर रकहड़ असवन पार पूरे और जो है गजपुर, ये सब सारे शिलान्यास आज क्षेत्र में एक नई आशा की किरण लेकर के उत्पन्न हुई है और पूरे बाढ़ से व्यापक रूप से ये बचाव कार्य हमारे क्षेत्र का हो जाएगा, इसके लिए कोटि कोटि आपको नमन प्रणाम और क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि ये कार्य जो है बहुत सालों से अपेक्षित है, ये महत्वपूर्ण है जी। और कार्य जब प्रारंभ हो तो उस समय कार्य की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता न हो, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए जी। क्योंकि कार्य मानक के अनुरूप गुणवत्ता के से समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ जाए तो वह अस्थायी हो सकता है, और अगर हम कार्य प्रारंभ होते समय या कार्य के समय समय पर निरीक्षण नहीं करेंगे और अनावश्यक रूप से उन कार्यों में व्यवधान स्थानीय स्तर पर पैदा होते रहेंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी, फिर परियोजनाएं अटक जाती हैं, लटक जाती हैं, तो उनको अटकने नहीं देना है और भटकने भी नहीं देना है, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आप सभी ने इस पे रुचि ली है, सारे विधायकों को बहुत बहुत बधाई और विकास कार्यों के प्रति रुचि लेने के लिए धन्यवाद भी। कुछ लोग आए भी आज ऐसा हमारे दर्शन सब कुछ आज क्या
के क्रम विभिन्न जनपदों के समारोह के कार्यक्रम के साथ मेरे साथ लखनऊ में जुड़े प्रदेश के जल शक्ति मंत्री, हम सब जानते हैं कि लगभग 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च किया जा रहा है। मर्यादा 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी तो 40 जनपद ऐसे थे जो बाढ़ के जैसे संवेदनशील और संवेदनशील माने जाते थे, जिनमें 24 जनपद संवेदनशील थे और 16 जनपद संवेदनशील श्रेणी में रखे गए थे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहले वर्ष में दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। राहत सामग्री के रूप में कोई भी पुख्ता व्यवस्था नहीं थी। बाढ़ बचाव के लिए क्या कार्य योजना है इसका कहीं ऐसा पता नहीं था। आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश की जनता को बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव करने के लिए राज्य सरकार ने समय से स्थायी समिति की बैठकों को संपन्न करना, इसके लिए विस्तृत कार्य योजना को न केवल बनाना बल्कि उसे लागू करना और बड़ी जवाबदेही के साथ जो कार्य संपन्न हुए आज उसका परिणाम है। इस वर्ष 146 परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम हम संपन्न कर रहे हैं और 170 नई परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्य यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। बाढ़ बचाव के लिए हम लोगों ने इस दौरान पहली बार राज्य के इतिहास में कुछ नए प्रयोग भी किए, जिसके बहुत अच्छे परिणाम भी आए। जनप्रतिनिधियों के साथ जब मेरी अक्सर चर्चा होती है, बातचीत होती है, तो ज्यादातर जनप्रतिनिधियों ने हमारे इस प्रयोग को सराहना भी की और उसे अपने यहां लागू करने के लिए भी बार बार इसके लिए आवेदन भी किया। जो हम लोगों ने नदियों की ड्रेजिंग करके नदियों को चैनलाइज करने की कार्रवाई प्रारंभ की, सरयू नदी में, राप्ती नदी में, इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए। और यही कारण है कि पिछले 4 वर्ष के दौरान जब हम बाढ़ की विभीषिका की बात करते हैं तो हम जन और धन दोनों की हानि को काफी हद तक रोकने में हमें बड़ी सफलता प्राप्त हुई। इस वक्त इसलिए संभव हो पाया कि स्थानीय स्तर पर हमारे विधायकों ने, सांसदों ने रुचि ली, जनता के प्रति अपनी जवाबदेही का परिचय दिया और विभाग के स्तर पर विभागीय मंत्रियों ने, अधिकारियों ने पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ इन परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए जो कार्य प्रारंभ किया उसका परिणाम हम सबके सामने है। 8 अदद परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ और 23 अदद परियोजना का शिलान्यास हुआ। सर, इससे कितना राहत मिलेगा बाढ़ के, जो बाढ़ आता था? बाढ़ में लाभ में जो लोकार्पण से जो है 8 अदद परियोजना जो हमने पूर्ण की उनसे 100 अदद ग्रामों की सुरक्षा होगी, जिसमें 4913 हेक्टेयर भूमि की कृषि भूमि को बचाएंगे और 178,000 की आबादी भी इससे सुरक्षित होगी। जो 23 अदद परियोजना है जो जिनका शिलान्यास हुआ है उनसे 402 ग्रामों की सुरक्षा होगी,
और 180,000 हेक्टेयर भूमि सुरक्षित की जाएगी और 10 लाख की आबादी को भी हम सुरक्षा पहुंचाएंगे इनसे, इन कार्यों को पूर्ण करके, समय से पूर्ण करेंगे इन कार्यों को, जिससे इनका फायदा आगामी वर्ष के पूर्व सभी जनमानस को मिल सके। आज जो हमारे विधानसभा क्षेत्र बांसगांव में हरैया बसावनपुर में एक तटबंधे का जो मतलब कार्य पूरा हुआ, उसका माननीय मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया और जो है बसावनपुर गांव के साथ जुड़ा हरैया है और उससे सटे जो 10-12 गांव थे, हमेशा उस बंधे के ना बनने से, बंधे पर जो है रेजिंग, स्ट्रेंथनिंग, पिजिंग ना होने से हमेशा पराया जो है उसमें खतरा बना रहता था, उसका जो लोकार्पण किया तो उस लोकार्पण के साथ ही जो है 4 नए परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। राप्ती नदी के दाएं तट पर रखट, असवन पार, पूरे गजपुर, इन सारे बंधों पर जो है इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है जिससे कि बंधे मजबूत हो, उसकी रेजिंग हो, स्ट्रेंथनिंग हो, फिर उसके ऊपर बाद में सड़क बनाया जाए। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र का जो ये हिस्सा था जो रोहिन राप्ती के तट पर बसता था, जिसमें क्रमशः कौड़ीराम और गगहा ब्लॉक के अधिकांश गांव आते थे, और वो सारे गांव अब बाढ़ की विभीषिका से बचेंगे और बंधे न सिर्फ जो है बाढ़ से रक्षा करेंगे बल्कि बंधे एक आगमन का भी स्रोत बनेंगे और बंधों पर जो है पिच रोड बनेगा जिससे कि क्या नाम है क्षेत्र में आगमन के क्रम में बंधे एक अग्रसर और एक बहुत सुंदर भूमिका निभाएंगे आगमन के माध्यम से। देखिए गगहा ब्लॉक के जो पूरा दक्षिणांचल हिस्से का जितने गांव थे, करीबन 62-63 गांव, उस सारे गांवों को एक नया लाइफ लाइन मिला। सारे बंधे देखिए सब पोरस थे, सब में पिट्स थे और बंधे जो है मतलब बारिश होती थी तो इतनी पोरसिटी होती थी बंधे धंस जाते थे, फिर पता चला पूरा मैरून हो जाता था। तो ये सब कार्य कर करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता का दिल जीता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद। अपने विधानसभा क्षेत्र के लगभग 4 लाख लोगों मतदाताओं की तरफ से उनको मैं आभार व्यक्त करता हूं और ये सारे कार्य अपेक्षित थे, समय से वो उन्होंने पूरा करने का अल्टीमेटम भी दिया है कि हम बरसात से पहले सारे तटबंधों का मरम्मत करें। मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों पूरे जिले के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। इससे जो गोरखपुर बाढ़ से प्रभावित था, बाढ़ से तबाह था, बहुत सी फसलें बर्बाद हो जाती थी, बहुत जन धन की हानि होती थी और सरकार हर साल बजट ज़्यादा खर्च करती है बाढ़ को समाप्त करने के लिए। वो समस्या पर लगाम लगेगी बाढ़ के लिए, बाढ़ आने के पहले ही मुकम्मल प्रबंध किया जा रहा है। पहले लोग कहते थे कि जब बाढ़ आती है तभी ये लोग बैठक करते हैं, अब पहले से ही शुरू हो गया है और सारा प्रबंध कर दिया जा रहा है। आज की बैठक में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी जहां बांध है, जहां काम हुआ है, जहां काम हो रहा है, जहां बोल्डर है, बोल्डर पिचिंग हो रही है, जो जैसे हमारे यहाँ सिसई, अब बरवार, बुकटा बरवार, दो बंदे हमारे यहाँ सजनवा डुमरिया वो बंदा बुकटा बरवार, तो सजनवा डुमरिया वो बंदा सिसई के पास, अब टिकरिया के पास कट रहा था, उस पर ठोकर लग रहा है और बरहुआ कट रहा था, बरहुआ के पास ठोकर लग गया। इसी तरह से जिले के तमाम बंधों के विषय में आज जो मुख्यमंत्री जी जानकारी ले रहे हैं और सारे अधिकारी उसको, जो काम जहां हो रहा है, जहां काम हुआ है और जो बाकी है उसके विषय में जानकारी है। दर्ज देखा जाए तो अक्सर मार्च मई से लेकर जून तक, 15 जून से बारिश का मौसम माना जाता है, उस समय काम शुरू होता था, इस बार फरवरी के पास प्रथम वीक में ही काम। हाँ, तो इसलिए ये आरोप था, सिंचाई विभाग के प्रशासन पे आरोप लगता था कि जब बाढ़ आती है, जून का महीना होता है, बारिश अधिक हो रही है, उस समय आप बैठक करते हैं और उस समय से प्रबंधन शुरू करते हैं। लेकिन इस बार उसी आरोप को कम करने के लिए और बाढ़ प्रबंधन में एक नया कदम उठाने के लिए, सुधार करने के लिए ये उठाया गया है कि सबसे पहले इसी महीने में बैठक कर दी गई, जिससे अधिकारी जो भी काम करना हो, जो अधूरा हो, जो जहां बनना शुरू हुआ हो, जो न शुरू हुआ उसको शुरू कर दें। हाँ, प्रस्ताव तो हम लोग दे सकते हैं। दे सकते हैं।